नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सरिया का वेट कैसे निकाला जाता है, उसके डायमीटर और लेंथ को मेजर करके। मेरी यह वीडियो कंस्ट्रक्शन लाइन और अदर पर्सन भाई लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मीटर और फिट में सरिया को कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीटर में कैसे कैलकुलेट करना है वो जान लेते हैं। तो मीटर में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा D2 डिवाइडेड बाय 162 इंटू L, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल में समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे मेरी सरिया है 8 mm की और उसकी लंबाई है 1 मीटर, तो इसका वजन कितना होगा। तो चलिए इसे पता करते हैं फॉर्मूला से। तो दोस्तों, डी हो गया हमारा डायमीटर और 162 हो गया हमारे फॉर्मूला का कांस्टेंट और एल हो गया हमारा लेंथ। तो हमारे सरिया का डायमीटर है 8 mm, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, 8 × 8 डिवाइडेड बाय 162 × 1, यानी कि दोस्तों हम यहाँ 1 मीटर सरिया का वेट निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ 1 लिखना है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 0.39 केजी पर मीटर। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा 1 मीटर सरिया का वेट। अगर हमें पूरा लेंथ का वजन निकालना है यानी कि 12 मीटर, तो दोस्तों हमारे सरिया का जो स्टैंडर्ड लेंथ जो आता है होता है वो 12 मीटर के करीब होता है। अब हमें इसी फॉर्मूला का यूज करना है, बस मीटर की जगह हमें 12 मीटर रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में 8 × 8 डिवाइडेड बाई 162 × 12, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 4.74 केजी पर 12 मीटर। इसी तरह आप पूरे बंडल का भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिट की, यानी कि सरिया का वेट फिट में कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, फॉर्मूला वही होगा, बस कांस्टेंट जो होता है वो हमारा चेंज हो जाएगा। मीटर के लिए हमने 162 रखा था और फिट के लिए हमें 533 लेना है, जो हमारे फॉर्मूला का कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं D × D डिवाइडेड बाई 533 × L, यानी कि लंबाई। तो हमें यहाँ करना क्या है, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 533 × L, हम 3 फीट में ले रहे हैं, 3 फीट के सरिया का वेट निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ 3 फीट करना है। तो 8 × 8 डिवाइडेड बाई 533 × 3, तो आंसर हमारा आएगा 0.360 केजी पर 3 फीट। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सरिया का वेट निकाल सकते हैं, वो चाहे आपकी 8 mm हो, 10 mm हो, 16 mm हो, 12 mm हो, चाहे जिस सरिया का साइज हो। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।